नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी समाचार। मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंगनागर। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतरे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के सम्मान के लिए प्रदेश भाजपा सरकार के करीब एक दर्जन भर मंत्री समय सक्रिय होकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। जोशी के नामांकन भरने के बाद से लगातार मंत्रियों के क्षेत्र में दौरे चल रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति और पूर्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने निम्बा हेड़ा से 1984 से 1985 में विधानसभा चुनाव जीता था। तब उन्होंने नामांकन के अलावा कोई भी दौरा नहीं किया था। यहां तक कि उनके दामाद नरपत सिंह राज भी 1993 में जब चित्तौड़गढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े तो खुद भैरव सिंह जी स्वयं भी इतने सक्रिय नहीं हुए जितने कि आज लोकसभा में सरकार का मंत्रिमंडल सक्रिय है। और तो और मुख्यमंत्री भी यहाँ 3 बार दौरा कर चुके हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। प्रतिष्ठा बचाने में उतरी सरकार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के लोकसभा चुनाव में नामांकन से पूर्व चुनावी कार्यालय के उद्घाटन से लेकर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक प्रदेश सरकार की करीब करीब सभी मंत्री चित्तौड़गढ़ में चुनावी सभाएं और रोड शो सहित जनसंपर्क कर प्रत्याशी सीपी के पक्ष में माहौल बनाने की जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं नामांकन के दिन से लेकर अभी तक लोकसभा क्षेत्र के 3 दौरे कर चुके हैं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा में शामिल निम्बा हेड़ा विधानसभा सीट से सन 1984-85 में पूर्व उपराष्ट्रपति रहे स्वर्गीय भैरव सिंह ने चुनाव लड़ा था। तब भैरव सिंह जी ने नामांकन भरने के बाद महज 2 से 3 बार विधानसभा का दौरा किया। उनकी लोकप्रियता का आलम यह रहा कि उनके चुनावी मैदान में पूरी तरह सक्रिय नहीं होने के बाद भी वो बड़े अंतर से चुनाव जीत गए। उनकी लोकप्रियता का आलम यह भी रहा कि उनके दामाद नरपत सिंह राज भी जब पहली बार 1993 में चित्तौड़गढ़ से विधायक का चुनाव लड़े तो बाबोसा के चेहरे की लोकप्रियता के सहारे राजवी भी चुनावी वैतरणी पार कर गए, जबकि कोई भी दिग्गज भाजपाई प्रचार के लिए यहां नहीं आया। लोकसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई मानी जा रही है। इस प्रतिष्ठा को बचाने के लिए ही मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार मैदान में उतरी हुई है। पीछे तक अगर आवाज सुन रहे हो, इधर आवाज सुन रहे हो,